इसलिए देखिए ये जो जमाना चल रहा है, हर इंसान को कुछ न कुछ थोड़े टाइम बाद एंटरटेनमेंट चाहिए। यार इससे तो टाइम पास नहीं होता, ये क्या है अखे दिन किताब पढ़े ना, फिर टाइम कुछ एंटरटेनमेंट तो कुछ नवा तो होना चाहिए ना। हुजूर ने बताया है सारा सारा एंटरटेनमेंट। ऐसा नहीं है कि इस्लाम रहमानियत वाला दीन है, जैसे दूसरे मजहब के अंदर कैसा है कि अगर तुम दीन के हो गए तो फिर दीन के ही हो गए, अब तुम्हें ना शादी कर सकते हो, न अच्छा खाना खा सकते हो, न अच्छे कपड़े पहन सकते हो, न बच्चे, बस वो अब तुम बस संन्यास जोगी बन जाओ बस। इस्लाम इस चीज की तालीम नहीं देता। कुरान कह रहा है ला रहबान, हदीस में ला रहबानियत बिल इस्लाम, में रहबानियत है ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते तो ऐसे घोड़े बन जाते। हजरत हसन हुसैन बैठे हुए, हजरत उमर आ रहे, ओ निअमल मतियतु मतियतुकुमा, ओ कितनी अच्छी तुम्हारी सवारी है दोनों शहजादों, तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी। हुजूर फरमाए सिर्फ सवारी अच्छी नहीं है, इसके सवार भी बहुत अच्छे है, जन्नत के शहजादे हैं ये। तो ये सारा कुछ घर में हो रहा है, ये सब कुछ बातें हो रही है। ये दीन हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो हमें ये नेमत दी है दीन इस्लाम की और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आने की, ये बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत है। हर वो अमल जो शरीयत का था हुजूर ने करके बताया है उम्मत को। बीवी के साथ रहना कैसे है आपने रहकर बताया, ऐसे इनसे बात की जाती है। ये यही वाकिया कि तीन चीजें ये आपस में दाखिल नहीं होगी, तीन चीजें बेकार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा के साथ थे सफर के अंदर, सहाबा इकराम का काफिला बिल्कुल आगे निकल गया, आगे पीछे कोई नहीं था। तो अम्मी आयशा से कहने लगे, आयशा एक रेस हो जावे, एक दौड़ हो जावे हम दोनों में, रेस दौड़ के भागते हैं अपने दोनों, कौन पहले पहुंचता है। मुफ्ती साहब अपनी बीवी को लेके भागे तो बेयारी मुफ्ती है। लेकिन शरीयत हमें बताई है, शरीयत हमें दिखाई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीन है हमारा, ये दीन है, ये है शरीयत का मिजाज। शरीयत ये कह रही है कि वो जैसे खुश होती है उस तरीके से उसको खुश किया जाएगा, शरीयत की हुदूद में। बाउंड्री उसकी रख दी है शरीयत की हुदूद में, उससे बाहर नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेस लगाई और उस मौके पर जानबूझ के पीछे रह गए, ये खुश हो जाए। अम्मी आयशा आगे निकल गई, कहा कि हुजूर मैं जीत गई। दूसरा मौका आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाया कि एक मरतबा फिर रेस हो जावे आयशा, फिर एक मरतबा रेस लगाए। इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हो गए तो हुजूर ने फरमाया आयशा तिल कभी तिल का, पहले तुम जीती थी अब मैं, ये इसका बदला हो गया। तो ऐसे हमें बताया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अलगर्ज में बात यह जिक्र कर रहा था कि एंटरटेनमेंट जो है शरीयत ने हमें दिया है बहुत सारी चीजें, ये क्या एंटरटेनमेंट। आजकल एंटरटेनमेंट किस चीज को समझ लिया है, पिक्चर देख रहे, नाटक देख रहे, यानी घर में नाटक कम हो रहे उससे ज्यादा टीवी के अंदर नाटक देख रहे, सीरियल देख रहे और ऐसे देख रहे इतने ज्यादा उससे कोई फायदा नहीं है। जितनी नेगेटिविटी वो लेकर आ रहा है, जितने मनफी असरात हमारी जिंदगी में, उसकी कोई हद और कोई लिमिट नहीं है। यानी सारी ऐसी चीजें उसमें दिखाई जा रही है कि घर में लड़ाई कैसे हो, चालाकी कैसे हो, शातिर कैसे बनाया जावे, किसी के ऊपर चाल चलनी हो तो क्या, वो सारी के सारी चीजें उसमें भरी पड़ी है। और जो दीन इतना पाकीजा दीन है, अच्छा जो दीन इतना पाकीजा दीन है जिसे सारी चीजें मैं बताए वो पढ़े। तो एंटरटेनमेंट शरीयत ने बहुत सारी चीजें, जैसे ये तीन चीजें तो मैंने जिक्र की, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें, कभी दौड़ कर लेवे, कभी घोड़सवारी कर लेवे, घूमने फिरने चले जावे ऐसे ही, क्या है चलो आबू जाते हैं, कोई गुना नहीं है बीवी को खुश करने के लिए। या इसी तरीके से स्विमिंग कर रहे मर्द हजरत, स्विमिंग कर रहे हैं तो कोई हरज की बात नहीं है, ये भी सुन्नत में दाखिल है। ये भी यूं समझ लीजिए लहू और लईब में दाखिल नहीं होगा, गुना नहीं होगा, सवाब मिलेगा। जिम कर लिया वो अच्छी नीयत के साथ, सिर्फ इस नीयत के साथ नहीं कि इसकी वजह से मैं सामने वाले पर इंप्रेस, के अपने जब खाली हाथ मिला है तो लगना चाहिए, बैक लगना चाहिए, शोल्डर लगने चाहिए कि भाई हाँ कुछ बनाई है बॉडी, इस नीयत से कि ये सुन्नत है। मैं अपना टाइम इसमें जाया करूं, जैसे आजकल एक नवा निकला है IPL, ऐसा ऐसा वक्त जाया होता है, इतना वक्त जाया होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह। तो अलगर्ज अजीज बुजुर्गों, शरीयत ने जायज तफरीहात हमें बनाई है,
जायज तफरी और जायज एंटरटेनमेंट बिल्कुल करे, जरूर करे। बच्चों को वक्त दे, अरे बच्चों से बेहतर एंटरटेनर और कोई नहीं है घर के अंदर। वो आ जाते हैं सारी टेंशन दून, कोई आके उधर बैठता है, इधर बैठता है, कोई टोपी खींचेगा, दाढ़ी खींचेगा, चश्मा उतारेगा, तो ये सारा एंटरटेनमेंट है शरीयत की तरफ से हमारे लिए। हमारे इस चैनल को अल अनवार मीडिया को सब्सक्राइब करे, वीडियो अगर पसंद आए लाइक करे, कमेंट्स करे और अपने दोस्त अहबाब में एक सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर करें और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें।